हाय एवरीवन, सभी को भाई नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को राम राम सा और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। अपना वो टॉपिक चल रहा था जिसको कंटिन्यू करते हैं अपन, एमिनो एसिड्स की अपनी क्या चल रही थी, केमिकल रिएक्शन, यानी एमिनो अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया चल रही थी। इसके अंदर मैंने अभी तक आपको लगभग 6-7 आपको नेम रिएक्शन पढ़ा दिए हैं। इसके अंदर नेम रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन को मैं नेम रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने आपको, कार्बिल एमिन टेस्ट, वो एक नेम रिएक्शन होती है, कार्बिल एमिन रिएक्शन बोलते हैं। वो आपने याद कर ली होगी सभी लेक्चर, आप सारे सारे लेक्चरों को आप क्या करना है, साफ साफ नोट्स बनाने हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, IIT JEE एग्जाम हो, चाहे JEE हो चाहे नीट हो, उनके अंदर आप IIT JEE को क्रैक कर सको और आराम से इस यूनिट को आप समझ सको और बढ़िया परसेंटेज बना सको BSc फाइनल ईयर में। ठीक है बेटा जी, तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स, वो अपना कंटिन्यू चल रहा है, उसको अपन आगे कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है जी बेटा जी, अब आप टॉपिक वही चल रहा था अपनी, क्या चल रही थी अपनी, एमिनो अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया, क्या चल रही थी, एमिनो अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है बेटा, ठीक है जी, वीडियो एकदम क्लियर आ रहा होगा। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स। ठीक है जनाब, अब इसके अंदर रिएक्शन करते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक फॉर्मेशन, इसमें क्या करेंगे, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक, यानी कार्बोक्सिलिक समूह के कारण अभिक्रिया, क्या करेंगे भाई सेकंड में, इसमें टॉपिक सेकंड में क्या डालेंगे, पहले मैंने कराया था एमिन समूह के कारण, अब कराओ कार्बोक्सिलिक समूह के कारण अभिक्रिया, क्या लिख सकते हो आप, कार्बोक्सिलिक समूह के कारण अभिक्रिया। अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जनाब, अब इसके अंदर पहली रिएक्शन करते हैं बेटा, पहली रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, रिएक्शन विथ बेस यानी क्षार के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करो, फर्स्ट एक नंबर लगा सकते हो आप, क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ बेस। तो अपन बेस लेते हैं, कोई सा भी आप बेस ले सकते हो, वही अपना लेंगे, अल्फा एमिनो एसिड CH3 CH2 COOH, और बेटा यहां पे क्या था, NH2, एमीन समीकरण कर ली थी अपन इस लोन पेयर। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे अपन, NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, NaOH को अपन ऐसे लिख सकते हैं OH और Na। ठीक है जी, NaOH के साथ ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर्पल स्टार है। तो यहां से क्या करेंगे बेटा जी, यहां से क्या निकाल देंगे अपन, H2 निकाल देंगे यहां से, क्या करेंगे यहां से क्या निकलेगा, H2 H+ देखिए क्या निकल जाएगा, यहां से H2 निकल गया और यहां पे क्या बन जाएगा, ये चिपक जाएगा, CONA बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 ऐसे की ऐसे, फिर क्या आएगा बेटा, CH NH2, और फिर क्या जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जाएगा, ONA। ठीक है जी, उतारो इतना, इसका नाम क्या होगा बेटा, सोडियम सोडियम साल्ट ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्लों का लवण, सोडियम सोडियम साल्ट ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स यानी एमिनो अम्लों का सोडियम लवण, लिख सकते हो एमिनो अम्लों का सोडियम लवण, इतना उतारे बेटा, सही आ रही क्या, देखो मैं देख लेता हूं एक बार, सही आ रही कि इमेज सही आ रही क्या, वीडियो लेक्चर सही आ रहा है कि बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सोडियम साल्ट ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है बेटा, स्क्रीन शूट लो आप जल्दी सी बेटा, यही बनेगा बेटा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मत मत भूलना बेटा, जो आपके पास तस्वीर बन के आ रहे, जो चमचमाता हुआ बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, क्षार के साथ अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक समूह के कारण अभिक्रिया। ठीक है, जो होता है ना अपना एमिनो अम्ल, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है बेटा, उसके अंदर एमीन समूह प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक समूह भी प्रेजेंट होता है। तो बेटा एक बार स्क्रीन शॉट ले लो ऐसे कैसे, कुछ मैं स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ा रहा हूं आपको, लिखो अगली रिएक्शन है,
रिएक्शन विद PCl5, PCl5 के साथ अभिक्रिया। अगली रिएक्शन लिखो बेटा सेकंड नंबर की, PCl5 के साथ अभिक्रिया लिखो बेटा जी, PCl5 के साथ अभिक्रिया सेकंड रिएक्शन है, PCl5 के साथ, इसको 5 लिखना भाई, PCl5 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ PCl5, तो POCl3 बाहर जाएगा, PCl5, तो रिएक्शन कराओ बेटा, रिएक्शन PCl5 के साथ अभिक्रिया। ठीक है बेटा जी, शेयर करना वीडियो लेक्चर को, शेयर करना ना भूले बेटा, मैं इतना तैयारी कर रहा हूं, आप भी तैयारी कर रहे हो, तो वीडियो लेक्चर को शेयर करने में आपकी क्या दिक्कत है बेटा। ठीक है जी, अपन PCl5 के साथ रिएक्शन कराते, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो लेंगे अपन अल्फा एमिनो एसिड RCHCOOH और यहां पे क्या चमकेगा NH2। ठीक है जी, अब इसकी रिएक्शन किससे कराओगे आप, इसकी रिएक्शन कराओ बेटा, इसकी रिएक्शन कराएंगे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, किससे कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बंड O CH3। ठीक है, किसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है जी, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से ये वाला ग्रुप यहां पे चमक जाएगा और यहां से क्या चल जाएगा CH3 CH3 COOH यहां से बाहर चला जाएगा, ये ऐसे कैसे जाएगा, तो यहां पे बनता है बेटा, यहां पे बनेगा RCH और यहां पे क्या लगाएंगे अपन NH2 और यहां पे COOH ऐसे की ऐसे, और इसके साथ अपन लगा देंगे यहां पे C डबल बंड O CH3। ठीक है जी, यानी ये वाला मैंने ग्रुप लगा दिया, ये वाला, ठीक है बेटा, ये वाला ग्रुप लगेगा इसके साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है बेटा जी, और वो ऐसे कैसे रह जाएगा बाहर। ठीक है बेटा जी, इतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, तो OCH3 आप बात, अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, अब इसकी रिएक्शन आपको करानी है PCl5 के साथ, इसकी रिएक्शन किससे कराओगे आप, PCl5 के साथ आप रिएक्शन कराओगे, किससे PCl5 से, तो क्या बनेगा बेटा, यहां पे क्या जाएगा बाहर जाएगा POCl3 बाहर जाएगा और HCl बाहर जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बाहर जाएगा और यहां पे बनेगा बेटा RCH और यहां से क्या बनेगा बेटा C डबल बंड O ऑक्सीजन है यहां पे और यहां पे Cl और नीचे क्या आएगा बेटा, यहां पे नीचे लगाओ कार्बन के नीचे आएगा NH और C डबल बंड O CH3। उतार लो बेटा इसको ऐसे कैसे, यहां पे 2 है, यहां पे है ऑक्सीजन, उतारो इसको ऐसे कैसे बेटा CH3, उतारो इसको, उतारो जी इसको ऐसे की ऐसे। अब यहां से इसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा, यहां से इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे वापस HCl से रिएक्शन कराएंगे, प्लस और माइनस। ठीक है बेटा जी, यहां से रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला ग्रुप यहां से बाहर चला जाता है। ठीक है जी बेटा जी, ये वाला ग्रुप चला जाता है, ये वाला इसके साथ इंटरेक्शन कर लेता है, तो क्या बनता है बेटा RCH C डबल बंड O Cl और यहां पे चिपक जाएगा NH2। बोलो चमका नहीं चमका, चमका बेटा, ये वाला मेरे पास बन जाएगा प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट, उतार लो इसको, ये बन गया अपने पास प्रोडक्ट, उत्पाद बन गया। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप होता है यहां पे, देखो बेटा PCl5 के साथ अभिक्रिया, पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो ये वाला ग्रुप इसके साथ इंटरेक्शन करेगा और यहां से क्या करेगा बेटा, यहां से ये वाला H चला जाती है यहां पे, सॉरी यहां पे देखो बेटा जी, यहां पे क्या करेंगे ये COOH ऐसे कैसे, ये वाला यहां से बाहर चला जाएगा। ठीक है जी, अब यहां पे ये वाला ऐसे चिपक गया, फिर इस PCl5 से रिएक्शन कराएंगे PCl5 के साथ, तो यहां पे Cl, यहां पे क्या चिपकेगा, यहां पे क्या चिपक जाएगा Cl चिपक जाएगा, यहां पे क्या चिपक जाएगा Cl, यहां पे चिपक जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा POCl3, POCl3 HCl बार, फिर दोबारा कराओ इस HCl, तो ये बनेगा बेटा प्रोडक्ट, उतार लो इसको ऐसे कैसे, मैं देख लेता हूं एक बार, उतारो बेटा इस रिएक्शन को ऐसे कैसे, उतार लो बेटा, उतारो जी इसको ऐसे कैसे, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, दो बार रिएक्शन करानी है HCl की। ठीक है, ठीक है जी, दो बार आपको रिएक्शन करानी है,
स्क्रीन शॉट ले लो बेटा सभी, फिर मैं आगे आपको डिस्कशन करता हूं आगे। इतना करो सभी, पहले कर लो जितना सभी याद कर लो पहले, यानी आपको ये रिएक्शन याद नहीं करनी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। PCl5 के साथ अभिक्रिया, ठीक है जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते अपन बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट एक बार इसका, कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं, एग्जाम में नहीं पूछे, नो टेंशन। अब देखो बेटा जी, नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है बेटा जी, इतना समझ में आ गया, ठीक है जी। एस्टरीकरण अभिक्रिया थर्ड रिएक्शन का नाम है, एस्टरीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन ये है यहां पे, एस्टरीकरण एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। उतारो बेटा इसको ऐसे, कैसे, ये अपनी है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरीकरण अभिक्रिया, ठीक है बेटा जी, एस्टेरीकरण अभिक्रिया एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। उतारो बेटा इसको ऐसे कैसे, पहले यहां पे आपको क्या लेना है बेटा जी, उतारो यहां से, अल्फा अमीनो एसिड लेते हैं पहले, क्या लेते हैं, अल्फा अमीनो एसिड आर सी एच सी डब्लो एच, और यहां पे क्या चमकेगा, एनएच टू एमीन समूह। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, अपन कराएंगे ड्राई एससीएल के साथ, शुष्क एससीएल के साथ रिएक्शन कराएंगे, शुष्क एससीएल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ड्राई, क्या बोलते हैं, ड्राई बोलते हैं। तो यहां पे क्या चमकेगा, यहां पे ये आ जाएगा जिसके साथ चिपक जाएगा, और सीएल भी यहां पर इंट्रेक्शन कर लेगा, ठीक है जी बेटा जी, यहां पर बनेगा, और यहां से क्या करेगा बेटा जी, यहां से क्या होगा बेटा, देखो जी ऐसे कैसे होगा, यहां से क्या बनेगा बेटा, उतार दो ऐसे कैसे इसको, R सी एच सी डब्लो एच ऐसे कैसे उतार दो, यहां पे क्या जाएगा बेटा, NH3 पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे आ जाएगा Cl, ठीक है जी बेटा, यहां पे क्या जाएगा Cl आ जाएगा, काउंट्राइन होता है Cl, ठीक, क्लोराइड काउंट्राइन है। अब इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, एथेनॉल से करानी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आगे, इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, एथेनॉल से C2H5 OH, ठीक है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, आपस में क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, ये इंट्रैक्शन करते हैं, तो यहां पे क्या करेगा, ये वाला है ना, ये OH है, इस H प्लस को लेके भग जाएगा, इस H प्लस को क्या करेगा, लेके भग जाता है, इस H प्लस को लेके भग जाता है, ठीक है जी, और यहां से क्या करेंगे, इसका H प्लस को लेके भग जाएगा, यहां पे है OO, यहां पे क्या है, ये H है O, और यहां पे H, ठीक है जी, यहां पे देखो बेटा इसको ऐसे लिख देते हैं OH, OH ये बेस का काम करेगा OH, तो यहां से क्या करेगा, H प्लस लेको, इसको H प्लस को लेके भग जाएगा, ठीक है जी, दिख रहा होगा यहां पे H प्लस को लेके भग, तो यहां से क्या निकल गया, H2 निकल गया बेटा, और यहां पे क्या चिपक जाएगा, यहां पे नेगेटिव जाए, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में इंट्रेक्शन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आपस में इंट्रेक्शन कर लेंगे, तो कैसे करेंगे बेटा, आर सी एच सी डबल बंडो, और यहां पे क्या बन जाएगा, सी टू एच फाइव, क्या बन जाएगा, ओ सी टू एच फाइव, ऐसे कैसे, ओ सी टू, यहां पे लिखो ओ सी टू एच फाइव, ठीक है बेटा जी, और यहां पे क्या चमकेगा बेटा, एन एच थ्री और सी एल, ठीक है जी, और यहां पे क्या आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज, यहां से एच टू निकल जाएगा, ठीक है जी। अब यहां पे क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे आगे, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे लगा दो, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओ सिल्वर ऑक्साइड के साथ, AgOH, AgOH के साथ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अब बताओ ये यहां से क्या निकलेगा, ये वाला यहां से निकल जाएगा बेटा, और ये वाला इसके साथ इंट्रेक्शन कर लेगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा, AgCl बाहर गया, AgCl बाहर गया ना बेटा, और यहां से क्या चल जाएगा, यहां से एक एच ले लेगा, यहां से क्या करेगा, एक एच लेके भग जाएगा, ठीक है जी, यहां से एक एच लेगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा, एच टू निकल जाएगा, ठीक है बेटा, एच टू निकल जाएगा यहां से, और क्या बच जाएगा बेटा, क्या चमकेगा, आर सी एच सी डबल बंड ओ, और ओ सी टू एच
C2H5, ठीक है बेटा। और यहां पे क्या आएगा बेटा, NH2, चमका नहीं चमका, चमका बेटा, ठीक है जी। ये वाला अपना प्रोडक्ट बन गया, यहां पे C2H5 है, O C2H5, चमकागनी चमका चमका बेटा, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। दोबारा दिखाता हूं, यहां से NH3, यहां पे देखो दोबारा, यहां पे समझ में नहीं आया कई बच्चों के, NH3 है, N H H और H, अब ये क्या करेगा, इस H को लेके भग जाएगा, ठीक है बेटा। और यहां पे था पॉजिटिव चार्ज, इसको H पर, यहां पे NH2 बचाएगा, NH2 बचा कि नहीं बचा, बचा रहे इधर देखो, यहां से H और H, यहां से एक H गया, तो यहां से क्या बचे, दो एच बच गए ना, NH2 बच गया। इसको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में बैलेंस हो जाते हैं, तो यहां पे क्या चलेगा, NH2, और यहां से H2 निकल गया, यहां से क्या निकलेगा, यहां से एक तो HCl गया बाहर, ये चल जाता है बाहर, चल जाता है, इसको खींच लेता है, और यहां से क्या करेगा, यहां से H2 भी बाहर जाता है, ठीक है जी। क्योंकि ये नेगेटिव, यहां पे देखो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यहां पे क्या करेगा, ये बेस का काम कर रहा है, छार है, ये H+ को लेके भागेगा, यहां से क्या करेगा, H+ को लेके यहां से HCl बाहर गया और H2 बाहर गया, और ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गया, ठीक है जी। ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट, चमका नहीं चमका चमका बेटा, मैं देख लेता हूं एक बार, सही आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इतना सभी समझ में आ गया होगा, उतारो इतना सभी, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे रिएक्शन देखते हैं, रिडक्शन देखते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया, उतारो इसको, इतना सभी के समझ में आ गया, ये वाला इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, और सीएल काउंटर है ना, यहाँ पे चिपक गया आके, ठीक है। और यहां से क्या करेगा, इसको एच प्लस लेके बच देगा, तो यहां से H2 निकल गया, और NH3Cl ऐसे कैसे, यहां से NH2 कैसे लिख सकते हैं, NH3 को नाइट्रोनियम, ये नाइट्रोनियम आयन बन गया, तो यहाँ सीएल यहां से भग जाएगा, ठीक है, ये वाला इसको लेके भग जाएगा ऐसा, ठीक है। स्क्रीन ले लो, सारा खेल एरो का है बेटा, उतार लिया होगा आपने। अब मैं आपको अगली रिएक्शन समझाने जा रहा हूं, डी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, क्या है बेटा, डी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, डी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अगली रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलीकरण, चौथे नंबर की रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है जनाब, ठीक है जी बेटा जी। डी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, यहां से CO2 का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, सारी जो राज की बात है ना, राज की बात किसके अंदर छुपी हुई है, वर्ड के अंदर छुपी हुई है, यानी शब्द के अंदर छुपी हुई है। देखो यहां पर डी कार्बोक्सिलीकरण, CO2 का अणु बाहर जाएगा, क्या जाएगा, CO2 का अणु बाहर जाता है बेटा, ठीक है जी बेटा जी। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे जाता है बेटा, डायरेक्ट बताता हूं, आप अपना वही हथियार है, वही हथियार क्या है, अल्फा अमीनो एसिड्स, यानी RCH C डबल बंड OOH, और यहां पे क्या चमकेगा, NH2, ठीक है बेटा। अब इसको क्या करेंगे, इसको अपन करते हैं, इसको करते हैं शुष्क आसवन करते हैं, इसका क्या करते हैं, शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन, इसको करेंगे शुष्क आसवन, शुष्क आसवन, शुष्क आसवन क्या बोलते हैं, ड्राई, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं इसका, ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, क्या करते हैं इसका, ड्राई डिस्टिलेशन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहां से क्या निकलेगा, क्या जाएगा, चमचमाता हुआ भार, CO2 बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा जी, क्या बन जाएगा बेटा, बताओ रे क्या बनेगा, एमीन बनेगा, क्या बनेगा, एमीन, देखो RCH NH2 NH2, और यहां पे क्या चिपक जाएगा, RCH2 NH2 चिपक, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, RCH2 और NH2, इसका बनेगा 1 डिग्री एमीन बन गया, 1 डिग्री एमीन, ठीक है बेटा, ओके जी, उतारो इसको ऐसे, कैसे क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन, तो यहां से क्या करेंगे, इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है बेटा, एमीन बनता है, क्या बनता है, एमीन, RCH NH2 CO, यहां से CO2 बाहर गया और ये चमकाया हम पे, एमीन बन गया 1 डिग्री एमीन, उतारो बेटा इसके, इसके सूत्र ले, सभी को समझ में आ गया, इसको गर्म करते तो मेरे पास एक चमचमाता हुआ प्रोडक्ट बनता है।
क्या बनता है बेटा? 1 डिग्री आई मीन। उतारो इसको पूरा। अगली रिएक्शन देखो, रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? रिडक्शन। अब चेयर कराते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में बेटा। अगले रिएक्शन है 5 नंबर की रिएक्शन, इसका क्या करेंगे? अपचयन। अपचयन का मतलब है रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा? रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बेटा जी, रिडक्शन क्या होता है सभी जानते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आल्सो नोन एज रिडक्शन। जहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन कणु बाहर जाता है। जब भी आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर रिडक्शन करते हो LiLH4 की उपस्थिति में, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो वहां से क्या बाहर जाता है? जो CHH है वो किस में चेंज, कौन से ग्रुप में चेंज होता है, कौन से समूह में चेंज हो जाता है? वो जाता है एल्कोहल समूह में चेंज हो जाता है। जल्दी से आप, मैं आपको रिएक्शन लिख रहा हूं, RCH और यहां पे है COOH और यहां पे क्या है? NH2। ठीक है जी, अब इसका क्या लेते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सूत्र क्या होता है जनाब? LiAlH4। क्या होता है? LiAlH4। तो ये क्या करेगा, ये वाला ग्रुप है ना, ये किस में चेंज हो जाता है? एल्कोहल में चेंज हो जाता है। ये सभी याद रखेंगे, किस में चेंज होता है? एल्कोहल में। चमका कि नहीं चमका? चमका बेटा। किस में चेंज होता है? एल्कोहल में चेंज हो जाता है। ठीक है जी बेटा जी, ठीक है जी। अब ये चेंज हो जाएगा किसमें? CH2OH में। तो यहां पे बन जाएगा RCH CH2OH और यहां पे NH2। उतार लो बेटा, ऐसे उतार लो जनाब। इसको बोलते हैं एमिनो एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? एमिनो एल्कोहल। उतारो इसको, क्या बोलते हैं? एमिनो एल्कोहल। तो यहां पे ग्रुप चेंज होता है बेटा। क्या चेंज होता है? ग्रुप। दो रिएक्शन बताइए, डी कार्बोक्सिल यानी यहां से CO2 का अणु भार जाता है, CO2 अणु भार, अणु भार। मैं याद रखूंगा, मैं याद रखूंगा, मैं याद क्या रखूंगा, मैं याद रखूंगा कि COOH ग्रुप किस में चेंज होता है? CH2OH में चेंज हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा ऐसे की ऐसे, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी, ठीक है जी, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। तो बेटा जी ये थी अपनी किसकी किसकी रिएक्शन। अब दोनों रिएक्शनों को एक साथ पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक समूह एक साथ रिएक्शन देते हैं और एमीन समूह भी एक साथ रिएक्शन देते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप सभी को थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड डे। ठीक है जी बेटा जी।